आप बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, बंगला हो जाए, क्यों? इज्जत। बड़ा घर हो जाए तो उससे क्या होगा भाई? 5 बेडरूम के घर में मैं रहता हूं, इस पे रहता हूं, उस पे रहता हूं, इज्जत। बंगले में रहना ये इज्जत नहीं है। और बंगले में रहना और इर्द गिर्द गार्ड हो ये इज्जत नहीं है। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बॉडीगार्ड्स के इर्द गिर्द सोते हैं बंगले में, सूफिया इकराम फरमाते हैं ये इज्जत नहीं है। बल्कि इज्जत तो ये है कि इर्द गिर्द दुश्मनों की तलवारें हो, बिस्तरा नबी का हो, लेटे अली हो, ये इज्जत है। आप कहते हैं ना, आप सोचते हैं, हम और आप सोचते हैं कि हमको इज्जत मिल जाए। क्यों? पैसा। जितना पैसा होगा उतनी इज्जत। पैसे से दबदबा हो सकता है, आप लोगों को डरा सकते हैं, आप लोगों को खरीद सकते हैं, इज्जत नहीं कमा सकते। इज्जत नहीं। आप कहते हैं कि इज्जत दौलत में है, दौलत कमाने में है। सिद्दीकी अकबर कहते हैं ये इज्जत नहीं है, दौलत कमाना इज्जत नहीं है, मुस्तफा के कदमों पे सब कुछ लुटाना ये इज्जत है। अगर इज्जत महज दौलत में है तो तारीख तो बता रही है कि अगर दौलत में ही इज्जत है तो क्या बात है कि अबू लहब के पास इज्जत नहीं? इज्जत है तो हलीमा सादिया के पास। अगर हुकूमत में इज्जत है तो तारीख तो बता रही है, क्या बात है अबू जहल के पास इज्जत नहीं? इज्जत है तो वैसे करने के पास। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, इसमें कोई शक नहीं। इज्जत अल्लाह की तरफ से, जिल्लत जिसे चाहे वो जलील करे। मेरा रब जब किसी को इज्जत देना चाहता है, इज्जत तो वही देता है लेकिन सबको नहीं देता, और जब देता है तो उसे मुस्तफा के करीब कर देता है, और जब जलील करना चाहता है तो नबी से दूर कर देता है। इसीलिए इज्जत न दौलत में है, इज्जत न शोहरत में है, इज्जत न डॉलर में है, इज्जत न पैसे में है, इज्जत न कुर्सी में है, इज्जत न पार्लियामेंट में है, इज्जत न किसी की जेब में है, इज्जत न किसी के बंगलों में है, इज्जत न किसी के हाउस में है, इज्जत न किसी की गाड़ी में है, इज्जत न किसी के पैसे में है। इज्जत है तो मुस्तफा की मोहब्बत में है, मुस्तफा की निस्बत में है, मुस्तफा के कदमों में है।